भारत और श्रीलंका के बीच लिमिटेड ओवर की सीरीज का नया शेड्यूल जारी हो गया है। अब दोनों देशों के बीच पहला वनडे 18 जुलाई को खेला जाएगा। पहले ये सीरीज 13 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर और टीम के कंप्यूटर एनालिस्ट के कोरोना संक्रमित होने के बाद शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आज इस वीडियो में इस शेड्यूल की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपना भी शेड्यूल मैचों के हिसाब से बदल सकें। लेकिन इससे पहले अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नए शेड्यूल के मुताबिक पहला वनडे मैच 18 जुलाई को होगा और उसके बाद दूसरा वनडे 20 और सीरीज का तीसरा वनडे 23 जुलाई को खेला जाएगा। तो वहीं T20 सीरीज की शुरुआत 25 जुलाई से होगी, दूसरा मैच 27 जुलाई और आखिरी मुकाबला 29 जुलाई को होगा। सभी मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे। पहला वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई से होनी थी और अंतिम मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाना था। अब पहला वनडे 18 जुलाई और आखिरी मुकाबला 29 जुलाई को होगा। श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद कंप्यूटर एनालिस्ट GT निरोशन भी संक्रमित पाए गए थे और इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से सीरीज का शेड्यूल बदलने की गुजारिश की थी, जिसे BCCI ने मान लिया था। साथ ही मेजबान देश के बोर्ड से श्रीलंकाई टीम का होटल बदलने की मांग भी की थी, जिसे मान लिया गया और अब श्रीलंका क्रिकेट टीम को कोलंबो के ग्रैंड सिनेमन होटल में शिफ्ट किया गया है। पहले दोनों टीमें ताज समुद्रा होटल में साथ रुकी थी। तो नया शेड्यूल नोट कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आएंगे।